नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मकई का दलिया पुलाव। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है ये, और बनाना भी इन्हें उतना ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि इन्हें बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 200 ग्राम ये मकई का दलिया है। देखिए इस तरह का आता है बाज़ार में। मकई को टुकड़े टुकड़े में तोड़ कर इस तरह से पैकेट में भरा हुआ होता है। ये किसी भी ग्रॉसरी शॉप या सुपर मार्केट में इजिली मिलता है। और आलू लिए हैं, एक छिलकर रखे हैं पानी में डुबो कर। आलू को काट कर सब्जी में डालेंगे भूनते समय। और गोभी छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं, और थोड़ा सा मटर के दाने लिए हैं, और एक गाजर को लंबे लंबे शेप में काट लिए हैं, और एक शिमला मिर्च को भी लंबे लंबे शेप में काट लिए हैं। दो हरी मिर्च लिए हैं, और एक इंच अदरक टुकड़ा को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं, और थोड़ा सा धनिया काट कर लिए हैं। दो चम्मच घी लिए हैं, इसके जगह तेल भी यूज कर सकते हैं। और एक छोटी चम्मच नमक और एक छोटी चम्मच चीनी लिए हैं, भी ऑप्शनल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दलिया को भून लेते हैं। तो गैस पर कुकर चढ़ा लिए हैं और गर्म हो चुका है ये कुकर। तो इनमें डाल लेते हैं एक चम्मच घी, और घी को गर्म होने देते हैं। इस तरह से चला देते हैं, एक बार मिला लेते हैं इस तरह से। तो घी गर्म हो चुका है, अब इनमें डाल लेते हैं ये दलिया। अब गैस का फ्लेम लो करके दलिया को चलाते हुए 2-3 मिनट भून लेते हैं। तो दलिया को 3 मिनट भून लिए हैं, और लो फ्लेम पर ही भुने हैं, बिल्कुल हाई पर नहीं करेंगे, नहीं तो जल जाएंगे। कलर हमें इनका चेंज नहीं करना है, देखिए इस तरह का है। तो अब इनमें डालते हैं पानी, और पानी हम जिस कप कटोरी से दलिया लिए हैं उसी कप कटोरी से पानी डालेंगे, इनमें 3 कप या कटोरी। तो मैं अभी गर्म पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है ये बनाने की। यदि आपको जल्दी ना हो तो आप ठंडे पानी भी डाल सकते हैं। तो अब पानी डाल लिए, गैस का फ्लेम हाई कर लेते हैं और कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं। अब कुकर में 1 सीटी आने देंगे। अब कुकर में 1 सीटी आ चुकी है, गैस का फ्लेम लो कर लेते हैं और 1 से 1.5 मिनट इन्हें लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो अब 1.5 मिनट हो चुके हैं, गैस पर से कुकर उतार लेते हैं और पैन चढ़ा लेते हैं एक। अब इनमें डाल लेते हैं 1 चम्मच घी, और घी को मेल्ट होने देते हैं। तो घी भी मेल्ट हो चुका है। अब इनमें डालते हैं हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को हम चीरा लगा कर डालेंगे, और हरी मिर्च पैन में डालते समय अपने आप को दूर रखें अथवा कवर कर ले थोड़ी देर के लिए पैन को, क्योंकि हरी मिर्च गरम तेल या घी में डालते समय उछटती है। तो अब इनमें डाल लेते हैं अदरक, और अदरक को भी चलाते हुए थोड़ी देर भून लेते हैं, जस्ट 1/2 मिनट। अब इनमें डालते हैं मटर के दाने, अब इन्हें भी चलाते हुए 1/2-1 मिनट भून लेते हैं। अब इनमें डालते हैं, ये आलू को काट लिए हैं, ये डाल लेते हैं। अब इन्हें भी चलाते हुए 1 मिनट भून लेते हैं। अब इनमें डालते हैं गोभी, और गोभी आलू को मिला लेते हैं अच्छी तरह से पहले। अब इन्हें कवर करके 1-1.5 मिनट पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो 1-1.5 मिनट पका लिए हैं ढककर। अब ये सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है हमें, सब्जी को क्रंची रखना है। तो अब इन्हें डाल लेते हैं शिमला मिर्च और गाजर। और इन्हें भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इन सारी सब्जियों में हम 1/2 नमक अभी डाल लेंगे, यानी 1/2 चम्मच अभी डाल रहे हैं, और 1/2 दलिया में मिलाएंगे। तो 1/2 रख लेते हैं और मिला लेते हैं एक बार। अब इन्हें ढककर 1 मिनट और पका लेते हैं, और गैस का फ्लेम हाई कर लेते हैं ताकि सब्जी जो नमक डालने के बाद पानी छोड़ेगी वो सूख जाए। अब कुकर का भी वाष्प खत्म हो चुका है, तो इन्हें खोल लेते हैं, ढक्कन निकाल लेते हैं। और देखिए बहुत बढ़िया दलिया पका है, देखिए खिला खिला है। और थोड़ी देर यदि छोड़ दे तो और भी खिल जाता है ये दलिया।
यानी दलिया पहले बनाकर थोड़ा ठंडा करके और सब्जी बनाकर मिलाए तो दलिया खिल जाता है। लेकिन आज मुझे जल्दी है क्योंकि अभी छुट्टी का समय चल रहा है और सभी लोग घर पर हैं और अभी समय हो चुका है नाश्ते का और मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ और सभी इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते खाने का, तो मैं आज वेट नहीं कर सकती हूँ। तो आपके पास समय है तो पहले दलिया बनाकर ठंडा करके बनाइएगा तो दलिया पुलाव और भी खिला खिला बनेगा। तो चलिए ये सब्जी तैयार है, अब कुकर चढ़ा लेते हैं। अब इनमें डाल लेते हैं नमक और चीनी, अच्छी तरह से मिला लेंगे पहले चीनी नमक डालकर। यदि आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं ये पका हुआ दलिया जिस पैन में आप सब्जी भून रहे हैं, सब्जी भूनने के बाद उसी कढ़ाही या पैन में डालकर और अच्छी तरह सब्जी के साथ मिला लेंगे तो पुलाव तैयार हो जाएगा। लेकिन आज मैं दलिया ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई हूँ और ये मेरा पैन छोटा था तो मैं इसी में डालकर मिला ली हूँ। तो दलिया पुलाव अब तैयार है, अब इन्हें सर्व करते हैं। और दलिया पुलाव में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत खिला खिला बना है, और दलिया को ठंडा होने के बाद बनाते तो और भी खिला खिला बनता। तो मैंने दलिया पुलाव को कर लिए हैं सर्व और चलते हैं फैमिली को खिलाने के लिए। और देखिए कितना कलरफुल लग रहा है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और हेल्दी तो है ही। तो आप इन्हें ज़रूर बनाकर खाइए और अपने फैमिली को खिलाइए। आप इन्हें किसी भी समय सर्व कर सकते हैं, जैसे सुबह शाम के नाश्ते में, लंच में या डिनर में, या अपने बच्चे के टिफिन में भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इन्हें बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।